इंदौर संभाग में कोविड वैक्सीन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों से चर्चा कर तैयारियों की जानकारी ली है। संभाग आयुक्त डॉक्टर शर्मा ने सभी कलेक्टर से कहा है कि वो अपने जिलों में इस बड़ी चुनौती का उत्तरदायित्व निभाने के लिए लीडर बने। यह टीकाकरण अभियान एक ऐसा कार्य है जो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आज दोपहर बाद कल एयरपोर्ट में खुशियों की खेप लेकर विमान उतरेगा। इसमें इंदौर और उज्जैन संभाग में होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए जरूरी संख्या में वैक्सीन की खेप जाएगी। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चे की रिपोर्ट। अभी जानकारी नहीं आई है कि वैक्सीन कब आने वाली है, तो वैक्सीन का जैसे ही आती है, मतलब आज आती है या कल आती है, तो तत्काल हम उसको पहले संभागीय स्टोर में लेके आएंगे। संभागीय स्टोर से तत्काल ही जो हमारी कोल्ड वैन्स होती हैं उसके माध्यम से हम जिला स्टोर पे पहुंचा देंगे, और जिला स्टोर से 15 तारीख को ये वैक्सीनेशन के जो फोकल पॉइंट्स हैं वहाँ पे पहुंच जाएंगी, और फोकल पॉइंट से 16 की सुबह निकल के वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगी ताकि पूरी कोल्ड चैन परफेक्टली मेंटेन हो। पूरे जिला पता है कि 16 से वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो रही है, वैक्सीन आज या कल में आनी संभावित है। तो एयरपोर्ट से वैक्सीन को लेकर संभागीय स्टोर, संभागीय स्टोर से जिला स्टोर, जिला स्टोर से जो कोल्ड चेन पॉइंट्स यानी फोकल पॉइंट्स, और उस कोल्ड चेन फोकल पॉइंट से अंत द वैक्सीनेशन जहाँ पे सेंटर्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स कैसे स्थापित होने हैं, कैसे जोनल सेंटर जोनल ऑफिसर उनको सुपरवाइज करेंगे, कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए वैक्सीन लगे, वैक्सीन सुरक्षित रहे, और वहाँ पे जो वैक्सीन लगती है उनकी काउंसलिंग हो, उस पूरी व्यवस्था को रिव्यू करते हुए उस तैयारी को, ताकि हम 16 से इस काम को आरंभ कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।